बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, सस्ती और आसान रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे अंडा ग्रेवी। किस तरह तैयार करेंगे, आइए हमारे साथ इस वीडियो में देखें। सबसे पहले हम अंडों को अच्छी तरह बॉईल करेंगे। छीलने के बाद अंडों पर हम कट लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा घी फ्राई पैन में गरम करके इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। याद रखें कि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और सस्ती तैयार होती है। इसे हर घर में शौक से खाया और बनाया जाता है। अंडे हमने घी में डाल दिए हैं। 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह अंडों को फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी अच्छी तरह गरम करेंगे। इसके अंदर 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और साथ ही इसके हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को अच्छी तरह ब्राउन करके हम दूसरा मसाला इसमें ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह जो हमने ग्राइंड किए थे। जब तक मसाला अच्छी तरह ना भुन जाए इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। अब घी ऊपर आना शुरू हो गया है तो इसमें गरम मसाला और अदरक का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। अंडे हमारे अच्छी तरह मैरिनेट हो चुके हैं। अब मसाला भी हमारा मुकम्मल तैयार हो गया है। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसे हम भुनेंगे ताकि अच्छी तरह इसकी जो लहसुन वगैरह की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडों को 3 से 4 मिनट तक हम ग्रेवी में भुनेंगे। अंडे अच्छी तरह भुन जाने के बाद हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ा सा साथ पानी ऐड करके दम पर हल्की आंच लगे